किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान द्वारा किसान छात्रावास में चौधरी रामदान की 139वीं जयंती वार्षिकोत्सव और प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया। समारोह में कई अतिथियों ने शिरकत की। समारोह में वक्ताओं ने चौधरी रामदान की जीवनी पर प्रकाश डाला तो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन का नाम रोशन करने का आह्वान किया। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह में छात्रावास के छात्रों के साथ कई लोग मौजूद रहे। चौधरी रामदान के विचार वट वृक्ष के रूप में हैं। इनके कार्य हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे। रामदान ने शिक्षा, समाज और संस्कार के माध्यम से नवीन भारत की परिकल्पना की थी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश मात्रा ने चौधरी रामदान की 139वीं जयंती पर किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान में आयोजित वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर यह बात कही। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओम प्रकाश माचरा और भैराराम चौधरी ने इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आयोजन को संबोधित करते हुए माचरा ने कहा कि संकल्प दिमाग से शुरू होता है, यदि किसी ने विचार पैदा कर लिया तो उसे सफलता तक पहुंचना ही होता है। उन्होंने सफी हसन और अब्दुल कलाम की प्रेरणा लेने से सीख की बात कही। कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने रामदान चौधरी के योगदान को उल्लेखित करते हुए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद छात्रावास की स्थापना कर चिरस्थायी प्रेरणा छोड़ गए। उन्होंने अपने छात्रावास जीवन के अनुभव बताते हुए शिक्षा को ही मंदिर बताया और इसे ही शिखर पर पहुंचाने वाला हथियार बताया। पूर्व जिला प्रमुख मदन कौर ने कहा कि मानव धर्म को निभाने के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। महापुरुषों के व्यक्तित्व या कृतित्व का अनुसरण करना चाहिए। नए नए नियमों और विचारों के अनुसार व्यक्ति को परिष्कृत करना रहना चाहिए। संयुक्त आयकर आयुक्त भैराराम चौधरी ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति का जीवन परिवर्तित करती है। वर्तमान समय में मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। स्वागत भाषण हेतु मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं ओम प्रकाश जी, IAS। इससे पूर्व मंगलवार को रामदान जयंती और किसान समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 26 स्टूडेंट्स को शैक्षिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जाट समाज बाड़मेर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। संस्थान अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि चौधरी रामदान की पूरी पीढ़ी आज भी मारवाड़ में छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए कृतसंकल्पित है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर आज प्रत्येक ब्लॉक पर किसान समाज के छात्रावास संचालित हैं।